सर ये आपका इलाका है, आपके इलाके में ये हो रहा है, एक बच्चा अगवा नहीं हुआ, दो बच्चे अगवा नहीं हुए, सात बच्चे अब तक अगवा हो चुके हैं, और पुलिस के पास जब लोग जाते हैं दुहाई देने के लिए तो पुलिस उनको वापस भेज देती है, बल्कि धक्के भी देती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये कश्मीर का पिछले दो तीन महीनों से एक मेजर इशू लॉ एंड ऑर्डर का चल रहा है। ये नहीं है कि पुलिस चुप करके बैठी है या गवर्नमेंट चुप करके बैठी है, गवर्नमेंट भी भरपूर लगी हुई है अपने तरीके से और पुलिस भी अपना दिन रात काम कर रही है। अब कल का ही आप वाकया देखे कि जो दो माइनॉरिटी के, मैंने परसों स्पीच करते हुए असेंबली में भी बोला था, एक बच्चा जो किडनैप हुआ था वो विद इन वन वीक वापस आ गया था, कुछ लोग माइनॉरिटी के जो किडनैप हुए थे वो भी कल वापस आ गए। तो पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, ये नहीं कि और बिगड़ता जा रहा है, पहले से काफी बेहतर हुआ है और गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश है कैसे भी करके ये जो नए अभी वाकयात वापस बच्चों के शुरू हुआ है इसको भी कंट्रोल किया जाए। पुलिस तो कार्रवाई करेगी मुकेश साहब, उन माओं का क्या है जिनके बच्चे अगवा हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, माँ के लिए तो एक रात गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, मैं एग्री करता हूँ इस बात के लिए, वो तो उन्हीं को पता जिसके घर पर यह आफत आती है, अल्लाह माफी दे, मगर बात सारी ये है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है, अगर हमें इस ऑपरेशन को और तेज करना पड़ा तो आप अगले हफ्ते में देखेंगे हम इस ऑपरेशन को और तेज करेंगे। तो क्या मुकेश साहब जब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा तब तक बच्चे अगवा होते रहेंगे? देखें जी, किसी भी गवर्नमेंट का ये नहीं होता है कि ये चीजें चलती रहे, और ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर पिछले 15 सालों में या 10 सालों में टोटली ऐसा रहा है, ये पिछले 2-3 महीनों में हुआ है जब से ये कच्चे के ऊपर ऑपरेशन शुरू हुआ है। अब कच्चे के ऊपर ऑपरेशन शुरू करने के बाद जारी बात है रिएक्शंस तो आएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पूरी चीजें क्लियर अप हो, कच्चा हमारा इलाका जितना भी है क्लियर हो जाए। थोड़ा इसमें स्लो इसलिए हो जाता है क्योंकि अब थोड़ा पानी आया हुआ है, और कोशिश हमारी पूरी यही है कि हम अगले हफ्ते 10 दिनों में इसको और तेज करके इस कच्चे के इलाके को क्लियर कराएं, उन सब बच्चों को वापस कर दें। ठीक, अच्छा मुकेश चावला साहब, लाला असद पठान आपसे बात करना चाहेंगे। जी लाला, आप सवाल थ्रो कर सकते हैं। जी मुकेश साहब, ये बताइएगा कि हमारा तजिया और मानना ये है कि ये अगवा बराए तावान और जो कच्चे की सरकारी लैंड है उस पर अरबों रुपए की ये इकोनॉमी है, जिससे फायदा मकामी फ्यूचर्स भी उठा रहे हैं, पुलिस अफसरान भी उठा रहे हैं और डाकू भी उठा रहे हैं। वो फ्यूचर्स आपकी पार्टी में भी हैं और गवर्नमेंट में भी शामिल है, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन टेकअप होगा? देखें जी, अगर लाला साहब, पहले तो आप कैसे आए हो, खैर करिए, तो दूसरी बात यह है कि लाला साहब, बात यह है कि कोई भी हो कानून से बाला तर नहीं है, चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट का हिस्सा हो या अपोजिशन का हिस्सा हो या कोई भी, अगर जो आप बोलना चाह रहे हैं, तो कानून से बाला तर कोई नहीं है। अगर ऐसी चीजें मिली तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होगा। और मैं एक और चीज ऐड करता चलूं ना आपको, लाला साहब आपको तो पता होगा कि कनकोट घोटकी ब्रिज का भी काम चल रहा है, आप सोचेंगे वो ब्रिज जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये कच्चे का इलाका और क्लियर होकर जब एक मूवमेंट शुरू हो जाती है आने जाने की तो चीजें सेफ हो जाती हैं। तो ये उन्हीं के कच्चे के लोगों की, डाकुओं की कोशिश है कि ये प्रोजेक्ट भी ना हो कंप्लीट, जहां के गवर्नमेंट दिन रात लगी हुई है कि ये ब्रिज का प्रोजेक्ट भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। जी मुकेश साहब, सरदार तेवोहन तेगानी भी पीपुल्स पार्टी में है, वो रुपोश है, उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस से छापे भी मारे, बाकी कुछ फ्यूचर्स भी हैं जो MTA हैं, आपके MNA हैं, उनका भी, उनकी भी सरपरस्ती रही है और अब भी है, जो मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं, उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, तो फिर किस तरह ये डाकू का फैक्टर खत्म हो सकता है और किस तरह पुलिस ऑपरेशन कामयाब हो सकता है? देखें जी, मैंने पहले भी बोला लाल साहब, अगर कोई इन्वॉल्व है, अगर पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी हो। देगो खान है, अगर वो, पहले तो हमारी आई डोंट थिंक वो पीपल्स पार्टी में है इस वक्त, ठीक है जी। नंबर टू, अगर उसके खिलाफ सबूत है तो गवर्नमेंट उसको अरेस्ट करेगी, रुकेगी नहीं। अगर और कोई MPA या MNA इन्वॉल्व है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है मुकेश चावला साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। असद लाला, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, SSP कश्मीर इरफान समू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया AY को। सर तस्वीरें आपने भी देखी होंगी बच्चों की, एक दो बच्चे नहीं है, सात बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो शायद अपनी माओ के बगैर रह भी नहीं सकते होंगे। सर उनको अगवा कर लिया गया है और जब माँ बाप जाते हैं पुलिस के पास तो पुलिस उनको धक्के देकर वापस भेज देती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, शहरी ये कह रहे हैं। हेलो जी इरफान साहब। जी बड़ी मेहरबानी आपने मुझे मौका दिया। देखिए ये बिल्कुल
कुछ ये कैसेज रिपोर्ट हुए, लेकिन हमने फौरी तौर पर इनकी FIR भी लॉज किए। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले चंद महीनों से कश्मीर पुलिस मुसलसल ऑपरेशन कर रही है कच्चा इलाके में, जिसके नतीजे में कोई 16 डाकू भी यहाँ पर मारे गए, वो बहुत सारे जो मुखबी हैं वो भी रिकवर हुए। तो ये मुसलसल FIR लॉन्च करने से क्या होगा? बच्चों को बाजियाब तो जंगी बुनियादों पर करने की जरूरत है। पुलिस अगर नाकाम हो रही है तो रेंजर्स को बुलाएं, फौज को बुलाएं, बच्चे हैं, 7 मासूम बच्चे हैं। जिस तरह मैंने आपको भी ब्रीफ किया कि जो ऑपरेशन है उनकी बाजाबी के लिए वो हमने जारी किया हुआ है और आज भी हमारा ऑपरेशन जारी है वहाँ पर, और जिसके नतीजे में पिछले चंद मैं आपको महीनों की सिर्फ फिगर बता रहा हूँ कि 16 डाकू यहाँ पर मारे गए। इसी दौरान मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि पिछले हफ्ते भी एक बच्चा जो जो कि अगवा हुआ था वो भी हमने यहाँ पर कश्मीर में रिकवर करवाया था, वो जो भी पेंडिंग। तो इरफान साहब, आपको यकीन दहानी करवाते हैं वालिदैन को कि कब तक उनके बच्चे मिल जाएंगे? जी, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, बल्कि कल ही मेरी। तो आप अभी ARY से बात कर रहे हैं, यहीं पर आप बता सकते हैं, कोई यकीन दहानी करवा सकते हैं आप कि उनके बच्चे उनको मिल जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह हमने पहले भी कतर कलामी की माफी चाहूंगी इरफान साहब, आपकी उनसे मुलाकात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वो ये कहते हैं कि कुरान पाक लेकर SSP के पास गए लेकिन सिपाहियों ने धक्के देकर वापस भेज दिया। उन्होंने क्या कहा आपको, वो सुनवाते भी हैं। कुरान लेकर SSP ऑफिस के आगे बैठे रहे, पुलिस वाले देखो देख के मुझे रोड पे बिठा दिया। हम कुरान लेकर SSP ऑफिस के आगे बैठे रहे, पुलिस वाले देखो देख के मुझे रोड पे बिठा दिया। तो इरफान साहब, ये सदाकत का वालिद है जो आया था आपसे मुलाकात करने के लिए लेकिन सिपाहियों ने मिलने नहीं दिया। देखिए, ये मैं देख लेता हूँ, लेकिन कल भी मेरी एक फैमिली थी जो किडनैप थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। और नंबर 2, एक आदमी और फैमिली है जिनका बच्चा गया, मैं उनके घर पे खुद गया था वहाँ पर, और उन्हीं के लिए जो ऑपरेशन हमारा कच्चे इलाके में वो भी जारी है। जिस तरह अभी आपको मैंने ब्रीफ किया, क्योंकि एक हफ्ता पहले भी एक बच्चा जो कि अगवा हुआ था कश्मीर से, वो भी पुलिस ने रिकवर किया, और ये जो ऑपरेशन है हमारा ये कंटिन्यूसली ये अपना हो रहा है कश्मीर में डाकुओं के खिलाफ। और इंशाल्लाह जिस तरह सिंध पुलिस ये काम करी है, होपफुली तमाम बच्चे जो अगवा हुए वो बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। बिल्कुल इरफान साहब, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन बच्चों को अपने बच्चे समझकर बाहिफाजत इनको उनकी माओं को वापस लौटा दें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और साथ ही साथ हमारे साथ मुकेश कुमार चावला साहब भी मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।